हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम सेंचुरी। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं संभल आया हुआ हूँ और संभल के चिट्टे फुलसिरे जो हैं बहुत ही मशहूर हैं, बहुत फेमस हैं। तो संभल की एक मशहूर छत जो कि हाजी साबिर साहब की है, जो कि सराय तरीन के रहने वाले हैं, उनके यहाँ फ़िलहाल हम मौजूद हैं। तो वो मेरे सामने मौजूद हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनके शौक़ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? हाँ जनाब, बस आपकी दुआएं। और बताइए, कब से शौक चल रहा है आपका? मेरा तो होश संभाला तो ये शौक रहे हैं, एक पतंगबाजी, एक कबूतरबाजी। अच्छा, हाँ तो अच्छी रहे। कितना वक्त हो गया होगा तकरीबन मेरे ख्याल से 50 साल हो गए होंगे। 50 साल? हाँ, 50 साल से ऊपर ही होगा। अच्छा, तो ये बताइए, इतना काफ़ी वक्त हो गया आपको शौक करते हुए, तो कुछ टूर्नामेंट बाजियाँ वगैरह भी की हैं आपने? हाँ जी हाँ, बाजी है, 3 बाजी संभल से बदी हैं, तीनों की तीनों जीती हैं हमने। अच्छा, हाँ तो और कौन से कबूतर आपको ज़्यादा पसंद है? भाई इस वक्त तो मुझे ज़्यादातर चिट्टे फुलसे रही हैं। चिट्टे फुलसे रहे हैं? हाँ, चिट्टे फुलसे रही ज़्यादा। चलिए, तो यहाँ पर साबिर, जनाब साबिर साहब के बेटे जो हैं जनाब आज़म साहब, वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? जी अल्लाह का करम है। और बताइए, कैसे चल रहा है शौक? सब बढ़िया चल रहा है सर। और ये अपने, आपके पास जो मैंने सुना है काफ़ी पुरानी नस्ल है, तो ये कब से है आपके पास ये नस्ल? ये हमारे पापा के ज़माने से चलती आ रही है, कम से कम 50 साल लगभग इसे कबूतरबाजी को हो गए। अच्छा। और जो भी हमने यहाँ से टूर्नामेंट उड़ाई हैं अभी तक हम हारे नहीं हैं, जीते ही हैं। और बाकी हमारे बच्चे राजस्थान कोटा तक जाते हैं। अच्छा। और वहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है। और हमारे उस्ताद अल्ताफ भाई हैं संभल में, इनके यहाँ पर बच्चे जाते हैं। अच्छा। इनके यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है जी, जी। हमारे कबूतरों का। अच्छा। और बाकी मैं आपको शौक करा दूँगा। वालेकुम। आज संभल शहर आए हुए हैं और जनाब हाजी साबिर साहब सलाय तरीन के जो हैं उनकी छत पर हम मौजूद हैं। और माशाल्लाह भी इनके कबूतर बहुत अच्छे हैं, दूर से ही देखें, करीब से दिखाएंगे। और ये हमारे जनाब अल्ताफ़ साहब हैं जो मुरादाबाद शहर का हीरो क्लब है उसके ये मेंबर हैं और उससे जुड़े हुए हैं। जनाब जो हैं साज मिर्जा साहब और आसिफ भाई जमान अनवर साहब जो हैं उनके ये दोस्त भी हैं और उनके ग्रुप के भी हैं ये। माशाल्लाह उनकी यहाँ बहुत तारीफ़ करी इन्होंने हीरो क्लब के तीनों मेंबरान की, और जितने भी उनके सारे मेंबर हैं। और हम आज मुरादाबाद आए, इन्होंने हमारा इस्तकबाल भी बहुत अच्छा किया और शहर के जो जिगर कबूतरबाज हैं उनके यहाँ हमें घुमाया भी, कबूतरों का शौक अच्छा भी कराया और अच्छी नस्ल के अच्छे कबूतरों का तारुफ करवाया, जो के मतलब ये है अपने आप में कबूतरबाजी का एक मयान है उनका और बढ़िया कबूतर है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हमारे सामने अल्ताफ़ भाई भी मौजूद हैं, तो अल्ताफ़ भाई कुछ कहना चाहेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम। ये आज़म भाई जो हम हैं, हाजी साबिर साहब जो हैं, ये हमारे बहुत बड़े हमदर्द और उनके साहबजादे जो आज़म भाई हैं हमारे शागिर्द हैं, ये हमारे शागिर्द जुनैद हैं और इनके यहाँ से ही हमारे बच्चे जाते हैं। और जो भी आपने हमारे कल्परे पंगा वगैरह देखे, फुलसरे देखे, वो ज़्यादातर कबूतर यहीं के ही होते हैं। इन्होंने एक ज़माने से कबूतरबाजी कर रहे हैं और काफ़ी ज़माने से इन्होंने टूर्नामेंटें भी उड़ाई हैं, बाजी भी उड़ाई हैं, जीते हैं। अब इन्होंने आके कुछ शौक को रोक दिया है, कुछ तबीयत ख़राब होने को, फिर काम में मशगूली कम थी ना, तो बच्चे मेरे आते हैं, मेरे यहाँ से शौक करते हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है माशाल्लाह, बहुत शानदार रिज़ल्ट है। ठीक। और ये जुनैद भाई हैं, तो इनके यहाँ के बच्चे सब माशाल्लाह हमारे यहाँ आते हैं, ये भी मेरे शागिर्द हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इनका। ठीक है, मैं इनका शौक कराता हूँ। ये हैं साहब ओरिजिनल फुलसरे जो होते हैं, कल्लों के फुलसरे संभल के। अच्छा। ये संभल में तो अभी हम दो छतों पर आपको लेके गए, लेकिन जो ओरिजिनल फुलसरे कल्लों के हैं वो सिर्फ संभल में आपको इसी छत पर ज्यादातर मिलेंगे। अच्छा, ये देखिए छत है जनाब हाजी साबिर साहब की, सराय तरीन। सराय तरीन, देखिए बहुत बढ़िया। एक मिनट इधर आइए। हाँ, ये है ओरिजिनल फुल सर कल्लों के। कल्लों के, ठीक, छोड़ दिए। देखिए ये क्या है, ये देखिए, बहुत बढ़िया। ये हाजी जी की 50 साल पुरानी नस्ल है। हाँ, बढ़िया। चिट्टे कल्लों के तो होते ही है, फुलसरे कल्लों के हैं। देखिए, अच्छा, देखिए बहुत बढ़िया। ये देखिए सभी कल्लों के मिलेंगे आपको, ये हैं ओरिजिनल उड़ने वाले। अच्छा, इन्हीं के बच्चे होते हैं। जी जी जी, ये 50 साल पुरानी नस्ल है। देखिए ये देखिए, ये इस साल बाजी में भी 17 बहन भाई लगे थे। अच्छा जी, हाँ बहुत उम्दा, 17 बहन भाई है। हाँ, इसका लंगोट काले लंगोट में। ये देखिए लंगोट ओरिजिनल है ये जी,
बढ़िया पंजे यही उड़ते हैं। ठीक बस बाकी बस अब एक काम करो बाहर को निकाल दो। हाँ। बहुत बढ़िया पंजे बढ़िया जी। ये बबुआ के नाम से मशहूर है। अच्छा। ये बबुआ कबूतर है। अच्छा इनकी ये देख मैं। हाँ बढ़िया ये है ओरिजिनल कबूतर। चलिए जी अल्ताफ भाई ये है साहब हाजी जी का पुरानी नस्ल सबसे पंगा। अच्छा इसी की नस्ल है सब ये। अच्छा अच्छा और जो मेरिया पंगा आपने देखे थे ना वो, अच्छा वो यहीं से इसी है। से ही देखिए कल परे थे ना वो इसी से ही है। अब इन्होंने इसी से फुल सरे बना लिए। अच्छा अच्छा ये उस्ताद आदमी है अपने हाथ से शौक कर लेते हैं लेकिन पंजे जरा पंजों का शौक करना। ये है असली पंगा। बहुत बढ़िया ये मादिन लग रही है ये मादिन इसी मादिन से इन्होंने कलपरे कर लिए। अच्छा कलपरे आपने मेरे देखे ना। हाँ हाँ जी जी अब इन्होंने इसी से कलपरे करे हैं। ओ अच्छा ये देखिए ये बहुत बढ़िया बढ़िया ये फुल सरे इसी से ये कलपरे। अच्छा 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 तो फ्रेंड्स ये रहा हाजी साबिर साहब सराय तरीन के जो रहने वाले हैं उनके चिट्टे फुल सिरों का कलेक्शन ये देखिए आप। यहाँ पे आजम भाई जो है इनकी जो पूरी टीम है सब मिलजुल के जो शौक करते हैं उनका इंट्रोडक्शन कराना चाह रहे हैं। जी आजम भाई जी ये हमारा दानिश भाई। दानिश भाई अच्छा सलाम अलैकुम। हमारे मुल्ला जी हैं जी इनके बहुत अच्छे कबूतर हैं इनके भी कोटले से। अच्छा अच्छा सराय तरीन कोटले से। अच्छा हमारे पापा हैं जी जी ये हमारे उस्ताद हैं जी अल्ताफ भाई साहब जी ये जुनैद भाई हैं हमारे जुनैद भाई। हाँ ये छोटा भाई है हमारा। अच्छा बिलाल भाई बिलाल भाई अच्छा अच्छा चलिए और ये हमारी सबसे जो लड़का रहता है जी कबूतरबाजी करता है वो फिलहाल इस टाइम पे नहीं गया हुआ है। अच्छा चलिए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब।